नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट डिफेंस पॉइंट टी आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक और बड़ा अपडेट्स निकल कर आ चुका है। आप लोगों के एसएससी जीडी के कार्ड लेटर जो हैं, एडमिट कार्ड जो है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। एसएससी जीडी में काफ़ी बच्चे फिट हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लगभग 12,000 बच्चे जो हैं जिनका दौड़ शुरू होने वाला है, और ये दौड़ आप लोगों का बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसका शेड्यूल जो है वो वेबसाइट्स पर है। काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आप अपने मोबाइल में कैसे आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताएंगे स्टेप टू स्टेप। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों के जो ग्राउंड है, जैसे आपका पलोड़ा कैंप हो गया, जैसे आप लोगों का बन तालाब हो गया, जहाँ आपका बड़गांव में, तीन ही सेंटर फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को अपना चेक करके कि आप लोगों की भर्ती कितनी तारीख को है और कौन सा ग्राउंड आप लोगों को सिलेक्ट किया है। आप लोगों ग्राउंड के बारे में प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डाटा डिटेल्ड भी हम जानकारी देंगे। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लगभग 12,000 के आसपास बच्चे जम्मू कश्मीर से जो हैं वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए चुने गए हैं, और फाइनल आप लोगों को पता है लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी है। चलते हैं, आपको स्टेप टू स्टेप बताते हैं कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेली रात को और हम दिन को भी जहां पर लगातार वीडियोस डालते ही रहते हैं। आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल सबके मोबाइल में होता है। आपको क्या करना है, आपको सीधा CRPF लिखना है। जैसे आप लोग CRPF लिखोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। CRPF लिखने के बाद आपको क्लिक करना है CRPF पर। जैसे ही CRPF पर क्लिक करोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे उधर ढूंढ रहे हैं SSC में, उधर एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। CRPF पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हर रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ CRPF, रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ CRPF पर ऐसे ही क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। PM मोदी और ये आप लोगों के आएंगे अमित शाह, और जैसे आप लोग नीचे क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट डिटेल्स के पास, क्लिक हर डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर PET PST, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप लोग वहां से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आएगा। आप लोग ऐसे आप लोगों को सर्च होने देना है, जैसे जितना सर्च होएगा उसके बाद प्रोसीडिंग आएगा। प्रोसीडिंग के बाद इसको कट कर देना है, यहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। आप लोग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप रो नंबर से भी कर सकते हैं और जैसे भी। तो ये आप लोगों को अपने नाम से भी, फादर नेम से भी कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों की भर्ती कब है और कितनी तारीख से आप लोगों की दौड़ जो है वो शुरू होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।